उत्तराखंड के उत्तरकाशी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 41 जानें एक टनल के भीतर फंसी हुई हैं। वो कब बाहर निकलेंगे इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। सैकड़ों लोग उन्हें बचाने के मिशन में लगे हुए हैं। सीएम से लेकर पीएम तक पल पल के हालात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी शायद इनके बाहर निकलने में कुछ और वक्त लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस ऑगर मशीन से टनल में पाइप डाले जा रहे हैं उसका प्लेटफॉर्म टूट गया है। इस वजह से अब इस रेस्क्यू मिशन को 24 तारीख तक की सुबह के लिए रोका गया है। साथ ही प्लेटफॉर्म की मरम्मत शुरू कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द दोबारा से मिशन को शुरू किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 23 नवंबर में दोपहर तक खुदाई की जा रही थी, लेकिन फिर अचानक मलबे में सरिया बीच में आ गया। इसकी वजह से खुदाई को रोकना पड़ा। अभी भी करीब 16 मीटर की खुदाई बाकी है। दरअसल एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इस मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि टनल में फंसे मजदूरों के साथ साथ रेस्क्यू टीम के सदस्यों की जान भी दांव पर लगी होगी। ऐसे में हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। अभी तक 45 मीटर से अधिक का रास्ता क्लियर किया जा चुका है और अब मजदूरों तक पहुँचने में बहुत अधिक वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ऑगर मशीन को जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने के बाद ही अब आगे बढ़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार और उत्तराखंड सरकार में ओएसडी भास्कर खुलवे ने बताया कि अब बहुत जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। 22 नवंबर को जब पाइप डाला जा रहा था तो धुआं भीतर फंसे मजदूरों तक पहुँच रहा था। इससे माना जा रहा है कि अब लक्ष्य बहुत दूर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी तब एनडीआरएफ की एक टीम भीतर जाएगी और अंदर फंसे लोगों को बाहर के हालातों के बारे में बताया जाएगा ताकि उन्हें शॉक न लगे। इसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकाले जाने के बाद इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा, जहाँ 41 बेड का एक अस्पताल पूरी तरह तैयार है। दरअसल टनल में जब मलबा गिरा और मजदूर फंस गए तो रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने की कोशिश की थी। इसी के बाद से एक पाइप के जरिए मजदूरों को ऑक्सीजन और खाना पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद 35 इंच के डायमीटर वाली स्टील पाइप को मलबे के अंदर डालने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इस मामले में पीएमओ ने हस्तक्षेप किया। दिल्ली से हैवी ऑगर मशीन मंगाई गई। मलबा धसकने के कारण इसका दायरा करीब 70 मीटर तक बढ़ चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टनल में फंसे सभी मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं। जिस टनल में ये मजदूर फंसे हैं वो 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी है। आपको बता दें कि इस घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है जिसने जांच शुरू भी करती है। ये सुरंग चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही थी। इसके बनने से उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए ही इस टनल के काम को किया जा रहा था, लेकिन 12 नवंबर को हादसा हो गया। अब आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।